चैनल एनी स्टाइल। गाइस आज की मेरी वीडियो में मैं आप सभी के लिए फेयरवेल पार्टी के लिए सारी ड्रेपिंग लेकर आई हूँ, जिसे आप स्कूल फेयरवेल पार्टी, कॉलेज फेयरवेल पार्टी, ऐसे भी वेडिंग पार्टीज में कहीं पर भी पहनकर जा सकते हैं। टीनेजर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही इजी मेथड से समझाया है, जिससे साड़ी की ड्रेपिंग नहीं बनती है तो वो इस तरीके से साड़ी पहने, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूनिक है, साथ ही इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और साथ में बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्टेड। गाइस इस साड़ी को आप जींस के ऊपर भी पहन सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लेगिंग के ऊपर पहन रही हूँ। तो इस तरीके से आपको साड़ी का पल्ला लेना है और पल्ला सेट करना है, जिस तरीके से हम नॉर्मल साड़ी का पल्ला सेट करते हैं वैसे ही आपको प्लेटें बनानी है। इस साड़ी को अब फेयरवेल में पहनी है, बहुत ही सुंदर लगेंगे, साथ ही कुछ इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करती है। एंड गाइस मैं इसे पिन से सिक्योर कर रही हूँ क्योंकि ये साटन का फैब्रिक है, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा फिसलता है। इस तरीके से हम साड़ी को हमारे सेट कर लेंगे और जितना आपको पल्ला रखना है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एंड गाइस अच्छे से आप प्लेटें सेट कर लीजिए, अगर आपको छोटी प्लेटें रखनी है तो आप छोटी भी बना सकते हैं और अगर आपको बड़ी बनाना पसंद है तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। एंड साथ ही गाइस इसे पिन से सिक्योर कर रहे हैं। एंड गाइस सेम वही सब हम साड़ी के दूसरी साइड भी करेंगे। इस साइड भी हम साड़ी की वैसे ही प्लेटें बना लेंगे, जैसे हमने वहाँ प्लेटें बनाई थी उसी तरह से हम साड़ी की यहाँ पर भी प्लेटें बना लेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर देंगे। एंड इसे हम साड़ी को दूसरे शोल्डर पर रखेंगे। याद रखें गाइस, जब भी आप इसे रखें तो क्रॉस बनते हुए आपको रखना है, इस तरीके से क्रॉस बनते हुए रख के पिन से सिक्योर कर देंगे। एंड जो हमारी साड़ी बची हुई है उसकी हम प्लेटें बना लेंगे। इस तरीके से आपको साड़ी की बारीक बारीक प्लेटें बना लेनी है। आपने धोती साड़ी देखी है, सेम वैसे ही है बट कुछ डिफरेंट है। और इस तरीके से प्लेटें बनाते हुए इसे बैक में टक कर देंगे। इस तरीके से बैक में आप इसे टक कर दीजिए। एंड गाइस थोड़ी सी साड़ी अगर आपकी निकली हुई है, कहीं से पल्ला लटक रहा है तो आप उसे भी सेट कर लीजिए। इस तरीके से उसकी भी बारीक बारीक प्लेटें बनाते हुए अंदर टक कर दीजिए। और इन्हें अच्छे से सेट कर लीजिए। तो ये आपकी एक गाउन का लुक भी दे रहा है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। सो गाइस इस तरीके से भी आप साड़ी को वेयर कर सकते हैं। इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर बेल्ट लगा रही हूँ। जो भी आपके पास कोई बेल्ट है आप इसको लगा लीजिए। एंड गाइस जो हमने पिन लगाई थी अब आप उसे निकाल दीजिए। आप चाहें तो पल्ला अलग भी रख सकते हैं, बेल्ट में मत रखिए, बट मैं इसे कुछ डिफरेंट दिखाना चाहती हूँ इसलिए मैंने इसे इस तरीके से वियर किया है। तो गाइस इस तरीके से ये आपकी जो साड़ी है वो बनकर रेडी हो गई है। Thank you.